हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे देखिए, विहान बाबू हमारा कुकर के साथ खेल रहा था और आप सबके थैंक यू, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मेरे पास कि आप सब मेरे बाबू के लिए प्रे करोगे। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, ये आलू के पराठे थे और ऐसे ही नहीं दूंगी आलू का पराठा। घी अभी मैं बाज़ार से और भी खरीद के लाऊंगी। पापा जी कह रहे हैं गाँव का घी देखेंगे कहीं से मिल जाए तो, क्योंकि अच्छा घी होता है, बच्चे के शरीर को थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली बच्चे को ऐसी चीज़ें देनी है जिससे बच्चे के शरीर में थोड़ी मजबूती आए, ताकत आए। तो ये देखिए आलू का पराठा है, और विहान पूरा एक पराठा आलू का नहीं खाता, पर हाँ मैं धक्का कर करके ना आधा पराठा भी विहान खा लेगा ना, मैं उतने में ही खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए पापा जी अपना नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में ले रहे हैं मिर्च का अचार, और हरी मिर्च भी है, प्याज है, और थोड़े से नॉर्मल पराठे हैं। तो पापा जी ने नाश्ता कर लिया था, और ये देखिए विहान कैसे अपनी नानी को प्यार जता रहा है। तो अभी जैसे विहान की जैसे दवाइयाँ चल रही है ना, उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। देखिए इतनी सारी डोज है, मतलब तीन तीन चल रही है। मुझे कमेंट्स में भी लोग कहते थे कि इसमें एक दवाई चलती है, बट पता नहीं, हमें तो तीन दे रखी हैं। विहान की तीन डोजेस चलती हैं और पूरा दिन विहान सोता रहता है। जैसे 10, मैं 9 बजे दवाई देती हूँ, 9 बजे दवाई देने के बाद बाबू को ना जैसे 10 साढ़े 10 बजे नींद आ जाती है। उसके बाद विहान 3 3 बजे 4 4 बजे उठता है सो के। तो मतलब पहले बच्चा इतना खेलता था, घूमता रहता था, और अब देखती हूँ पूरा दिन सोता रहता है। रात को भी पहले मैं बताती थी ना, 2 2 बजा देता है, सोता नहीं है, 3 3 बजा देता है रात को। और अब देखोगे ना, 9 बजे रात को दवाई देती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक सो भी जाता है। तो क्या करें, दवाई तो देनी पड़ेगी, और दवाइयाँ इतनी चल रही हैं तो खुराक भी दवाई के साथ अच्छी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा भाई ना घर पे कुछ काम से आया हुआ था, तो मैं बोलती चल यहाँ पे ना नज़दीक में इसको कुछ खिला के लाते हैं बाबू को। तो यहाँ पे हमने एग ले लिए थे, ये 4 अंडे थे, सॉरी 4 कह रही हूँ, 2 अंडे थे, और 20 रुपये की ये प्लेट थी। और बाबू को ना जैसे मैंने थोड़ा सा ही खिला दिया था। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप में से कुछ तो कहते हैं बाबू को अंडा देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का ना थोड़ा स्ट्रोंग बनेगा अंदर से शरीर। कुछ कह रहे हैं कि अंडा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एक काम करेंगे हम ना, डॉक्टर के जब जाएंगे ना, तब एक बार मैं डॉक्टर से पूछ लूँगी कि विहान को क्या देना चाहिए क्या नहीं। बाकी पूछा था डॉक्टर ने, कहा था ऐसा कोई परहेज नहीं बताया डॉक्टर ने विहान के लिए, बस इतना बोला था कि घी खिलाओ बच्चे को। तो यही बात है, तो देखेंगे कहीं से अच्छा घी मिल जाए, कोई गाँव का घी मिल जाए ना अच्छा बढ़िया वाला, तो और भी बढ़िया है बच्चे के लिए। जैसे 5 किलो घी ला के रख दूंगी, फिर अच्छा है बच्चे को। जैसे सर्दियों में ना कुछ घी से बनी कोई चीज़ बना के मतलब रख लेंगे हम, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और अभी ना बारिश आ रही है 2 दिन से, तो अभी हम ना मेन मार्केट बाजार मेरे को जाना था चक्कर, बाबू के लिए काफ़ी कुछ लाना है मुझे खाने पीने का सामान, बादाम काजू वगैरह, बट अभी जा नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत पानी भर जाता है हमारे यहाँ पर ना, बारिश आती है तो मेन मतलब सड़कों पे जाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विहान के लिए ना हम पपीता शेक बनाएंगे। एक्चुअली विहान को ना जैसे दवाइयाँ जैसे लेता है ना, तो एक दिन तो पहले दिन तो ठीक था, अगले दिन लूज़ मोशन लग गया, फिर रात को ठीक था, फिर दवाई ली फिर ठीक था। जैसे आज मैं जैसे गई थी ना, तो सुबह ठीक था विहान को, कोई लूज़ मोशन नहीं था। आपके भी कॉमेंट्स आ रहे थे आप पपीता मत दो, अगर बच्चे के लूज़ मोशन होता है तो वो और लूज़ हो जाता है स्टूल बच्चे का। तो अभी सुबह नहीं था लूज़ मोशन, बिल्कुल सही कर रहा था, बट अब जैसे मैंने इसको पपीता शेक लिया ना, उसके बाद रात को फिर इसने थोड़ा सा लूज़ मोशन कर दिया। तो अभी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे ठीक होंगे। और ना जो ये पपीता शेक होता है ना, इसको उसी वक्त पी लो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर इसको 10 15 मिनट के लिए भी रख दोगे ना, तो पपीता शेक ना कड़वा हो जाता है बहुत। तो बाबू को ना जैसे थोड़ा थोड़ा मैं पिलाऊंगी। बाकी इसमें क्या होता है ना, घर पे ही बनाओ तो बढ़िया रहेगी चीज़ें। तो मेरे पास तो मिक्सी भी है, सुजाता का जूसर भी रखा हुआ है, तो अभी बस वो निकाल के बस घर पे ही बनाना शुरू करेंगे। अभी एक्चुअली फ्रूट्स रखे हैं वैसे घर पे, सेब भी रखा है, अनार भी रखा है, मौसम्मी भी रखा है, बस पपीता नहीं था। तो सोचा चलो इसको विहान ने अभी कुछ खाया है तो ऊपर से थोड़ा सा इसके शरीर में लगेगा, थोड़ा इस बहाने कुछ पपीता ही चला जाएगा बाबू के शरीर में, तो थोड़ा सा बाबू भी थोड़ा स्ट्रोंग बनेगा हमारा। तो इसीलिए सोचा चलो इसको भी ये पपीता शेक पिला देते हैं यहाँ पर। तो इसका खाने पीने का खूब अच्छे से ध्यान रख रही हूँ मैं, और पहले भी रखते थे, ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी अच्छे से रखते थे। वीडियो में आपको दिखता था ना जैसे बाबू लेज खा रहा है, तो लेज वो पूरा पैकेट थोड़ी खाता था, एक आधा चिप्स ले लेता था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि खाने पीने की वजह से हुआ है बाबू के, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं होता, खाने पीने की वजह से नहीं होती ये दिक्कत। ये दिक्कत होती है जब ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले,
बस यही रीज़न होता है। और इसके भी अलग रीज़न होते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन जैसे अब डिलीवरी के टाइम नहीं मिलती उन वजह से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है आप जैसा कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से टेक केयर पहले भी करती थी विहान की, और हम सब करते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रात का खाना था, भिंडी की सब्जी थी, और हमने आधी रोटी मैंने बाबू को खिला दी थी, और यहाँ पापा जी ने स्पीकर पे गाने चला दिए थे, तो बाबू काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और ये देखिए, हमने जो सोफ़े थे ना, जो पीछे वाले रूम में थे, अभी के लिए रख दिया आगे, क्योंकि विहान ना गिर जाएगा, इन पर ना शरारत करता था, इन पर खड़ा होकर छलांग लगाता था, जैसे टीवी की रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता था। तो हमने यहाँ पे ना सारे सोफे एक बार के लिए रखे हैं, पीछे कुछ टाइम बाद वापस रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बाबू को भी मैं कपड़े पहनाऊँगी। और ये देखिए, सुबह का टाइम हो गया था, और अब हम बाबू का क्या करते हैं, नाश्ता करवा देते हैं। और नाश्ते में देखिए, ये है हमारे ऑमलेट, जो कि विहान ने आधा खा लिया था, क्योंकि दवाई देनी थी। सुबह 7 बजे उठी थी, और 7 बजे से लेकर रात के 9 सुबह के 9 बज गए थे। 2 घंटे ना ऐसे ही चले गए, कोई काम भी नहीं किया, बस विहान को खाना ही खिलाया। सुबह के अभी 9:25 हो रखे हैं। पता है, सुबह मैं उठी थी आज 7 बजे, 7 बजे उठने के बाद अभी ये 2.5 घंटे कहाँ गए ना पता भी नहीं चला। बस नहाई हूँ मैं, और अब पता है बारिश आने लगी, 2-3 दिन से लगातार आ रही है ना, मेरे कपड़े धुल पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सुखाएं कब, बारिश ही पूरा दिन बारिश ही बारिश आती है। और बस अभी बच्चे को दवाई देना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा मतलब होता नहीं। मैंने ना कल वीडियो देखा रात को, मैं यूट्यूब सर्च कर रही थी, मैंने कहा छोटे बच्चों को दवाई दे कैसे, क्योंकि हम डालें वो वापस निकाल दे, कोई असर ही ना हो बच्चे को। तो पता चला इस तरीके से करके या साइड से बच्चे को दवाई देनी चाहिए। तो बस अभी मेडिसिन दी, बच्चे को खाना खिलाया है, मैं नहाई हूँ, अभी घर के मेरे सारे काम पेंडिंग हो रखे हैं। और कपड़े मेरे, अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना वहाँ उस घर में कितने, पूरा बेड पे इतने सारे पूरा भर के, मेरे ख्याल से 10 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं। और अभी भी नहीं, 2 दिन से सोच रही हूँ कपड़े धोऊंगी, बट कब धोऊँ, मौसम ही नहीं खुल रहा है। और जिस हिसाब से बारिश आ रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठंड इतनी जल्दी आने वाली है। इस बार देखना, ठंड बहुत पड़ेगी सर्दियों में, क्योंकि अक्टूबर में मतलब अभी ठंड हल्की हल्की होने लगी है, सितंबर चल रहा है। अभी जैसे मैं नहाने गई ना, मतलब मेरा ऐसे मन हो रहा था कि आज टाली कर दूं नहाने की, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। अभी गीज़र भी मतलब गैस गीज़र है हमारे, तो उसमें सिलेंडर नहीं लगा रखा कि थोड़ा बहुत गर्म पानी ले लें, क्योंकि पानी सच में बहुत ठंडा आ रहा है अभी के टाइम में। और बच्चे के लिए तो हो गया है, बच्चे को अब जैसे हम जैसे जो पानी अभी ठंडा आ रहा है ना, उसमें बच्चे को नहलाने से ना बच्चा बीमार हो सकता है। इसलिए आज पापा जी से बात करती हूँ, गैस गीज़र ना हमारा वो सिलेंडर लगाना पड़ेगा, तो वो सिलेंडर ही लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रही थी कि देखिए, मैंने मेरे बच्चे के सीज़र के बारे में बात करी, और उस चीज़ की वजह से मुझे एक लाइफ में कन्फ्यूज़न हो गया, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, जब मेरे को ना करीबन 12-13 साल सिर में बहुत ही गंदा दर्द होता था, मैंने आपके साथ ये बात बहुत पहले वीडियोस में भी शेयर करी है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा सिर का जो दर्द था ना, वो ऐसा नॉर्मल सिर का दर्द नहीं हुआ करता था मुझे क्या होता था कि पहले ना आंखों के आगे, मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ मेरे दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, उसी वक्त अचानक से एकदम से मेरी आंखों के सामने ना कुछ चमकीली तारे नज़र आने लग जाती थी, चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, कुछ भी नज़र नहीं आता था मुझे, मतलब काला सा सब हो जाता था, और सिर्फ चमकीली वायर्स जो होती है ना, ओरा होता है जैसे, वो नहीं होता जैसे कि मतलब चमकीली वायर्स जो होती हैं वो नज़र आती थी आंखों के आगे। और ये करीबन मुझे 3 से 4 मिनट चलता रहता था, मतलब कभी 1.5 मिनट, कभी 4 मिनट, मतलब मुझे कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ चमकीला, मतलब मेरे को अगर मैं अभी नॉर्मली देख रही हूँ, मेरा आई साइड बिल्कुल नॉर्मल है, मेरी 6x6 आईज, मेरे चश्मा भी नहीं है, मैं कई बार वैसी स्टाइल के लिए 0 नंबर का चश्मा पहन लेती हूँ, बट मेरे कोई चश्मा नहीं है। तो हुआ क्या कि मैं ना, लेकिन उस टाइम जो वो टाइम होता था 3 से 4 मिनट, मेरे को ना ऐसा हो जाता था मेरी आंखों के आगे ना मुझे कुछ भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ चमकीली वायर्स पूरे चारों ओर नज़र आ रही है, मुझे कुछ नहीं, मुझे एक जगह बैठना पड़ता था उस टाइम, क्योंकि अगर मैं उस टाइम चल रही होंगी तो मैं कुछ भी, मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा होता था। ऐसा मेरे साथ 13-14 साल चला, और उस टाइम में पता है महीने में मेरे कोई ऐसा, मेरे को 7 से 8 कॉम्बी फ्लेम की दवाई लेनी पड़ती थी, क्योंकि जब मेरी ये चीज़ होती थी ना, तो उसके बाद एकदम से मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी, और मेरे को ना मेरे अंदर से एकदम से वीकनेस फील होती थी। जब मेरे को ये चीज़ होती थी ना, मुझे लगता था अंदर से किसी ने एनर्जी छीन ली है मुझे। मैं चलती भी थी ना, तो चलते हुए भी मेरे सिर में दर्द होता था, मैं वॉक करते हुए भी सिर में दर्द। तो
और हेडेक मेरा इतना तेज होता था ना, गंदे वाला, मैं रोया करती थी। मतलब मेरे पापा जी मेरा सिर दबाते थे, और मैं ये बातें बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मेरे को एक चीज और मैं बताऊंगी कि मेरे को ना, जैसे मेरे जो वो माइग्रेन था, मेरे को जैसे आज फील हो रहा है कि मुझे जैसे आएगा, मैं सोचती भी हूँ मेरे को होने लग जाता है। तो मेरे को क्या होता था कि वो जो माइग्रेन होता था, मैं उसको माइग्रेन बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कभी डॉक्टर के नहीं गई, लेकिन मेरे को लगता है कि वो माइग्रेन था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि कुछ भी, मतलब इतना गंदा भयंकर दर्द जो कि दो दो दिन रहता था मेरे, और इस वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी। मैं स्कूल की छुट्टियां लेती थी, कॉलेज में भी मैं परेशान हो जाती थी क्योंकि मेरे को डर लगता था, पेपर देने जा रही हूँ तो डर लगता था अगर मेरे पेपर से पहले ये चीज़ हो गई तो मैं एग्ज़ाम लिख नहीं पाऊंगी, मेरी इतनी दिक्कत हो जाती थी। और ये दिक्कत मेरी बहुत साल चली है, बहुत मेरे, लेकिन हाँ पिछले 7-8 साल से मेरे इतनी नहीं है। मेरे 7-8 साल में ना, मेरे अब साल में 1 या 2 बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मेरे नहीं होती, लेकिन पहले तो मेरे महीने में 7-8 बार होती थी ये दिक्कत। और इसका रीज़न देखिए, आज मैं पापा जी से अभी यही बात कर रही थी, मैंने कहा पापा जी मेरी इतनी दिक्कत होती थी, मेरे इतने सिर में दर्द होता था, आप मुझे कभी डॉक्टर के नहीं लेके गए, डॉक्टर चेकअप करता। जैसे आजकल तो अब जैसे मेरी विहान की दिक्कत हुई, मैंने दिखाया कि हाँ ये दिक्कत थी, और मेरी इतनी वीकनेस रहती थी, मैं इतनी परेशान, मैं इतना रोया करती थी, आप मुझे कभी डॉक्टर के नहीं लेके गए, बस कॉम्बी फ्लेम और सिर दर्द की दवाइयाँ खिलाते रहे। तो पापा जी बोलते मैं अपने लिए कब गया, मेरे भी दिक्कत होती थी। मतलब पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का क्या है, वो उनके भी कुछ दिक्कत होगी ना हेल्थ इशू, कभी डॉक्टर के नहीं जाएंगे वो। तो अब हम थोड़े से नॉलेज हुई, हम जैसे इतने मतलब आगे बढ़े, मतलब पढ़ाई वगैरह करी, तो हम जाते हैं हॉस्पिटल क्योंकि हमें ये चीज़ें समझ है। लेकिन मेरे मम्मी पापा आज भी कभी नहीं दिखाएंगे, उन्हें कितनी भी दिक्कत हो जाए कभी वो डॉक्टर के नहीं जाते, कभी आप ये नोटिस करना, अब हम लेके जाते हैं धक्के से। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इससे ना मैंने पता है, ये मैं कहती थी ना कि मेरे माइग्रेन रहता है माइग्रेन, तो किसने बोला मेरे माइग्रेन रहता है, मैंने खुद से ही अज्यूम कर लिया कि मेरे जो ये दिक्कत रहती थी वो माइग्रेन होगी जरूर, क्योंकि माइग्रेन में सिम्टम्स होते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, कि इतना गंदा सिर का दर्द, वोमिटिंग होना, बॉडी से जान निकल जाना एकदम से, और आपको एकदम से इतने टाइम के लिए ब्लैंक आउट हो जाना। लेकिन कल मैं विहान के लिए कुछ गूगल कर रही थी चीज़ें, जिसमें मैं एपिलेप्सी के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने देखा ये ऑप्टिकल एपिलेप्सी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरे को लगता था जो जैसे दौरे होते हैं ना मिर्गी के, वही होते हैं, जैसे हाथ ऐसे जकड़ जाते हैं, दांत भींच जाते हैं, यही सुना था, यही देखा था, तो मेरे को नहीं था। लेकिन इनके भी बहुत से टाइप्स होती हैं, और मेरे को आज, मैं कल रात को बैठ के सोच रही थी, मेरे को लगा कि निधि तूने कभी चेक नहीं करवाया डॉक्टर के पास जाके, तेरे को इतने सालों तक ये दिक्कत थी, हो सकता है मे बी ये कोई एपिलेप्सी का पार्ट हो, माइग्रेन हो, कुछ भी हो सकता है, तूने खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि ये माइग्रेन ही होगा। तो ये बात मैं आपके साथ कह रही थी कि ना मैं भी सोच रही हूँ, अभी तो देखिए मैं पहले बच्चे का इलाज करवाऊंगी, और अब मैं ठीक हूँ तो मेरे को लगता है क्या दिखाना, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पिछले 8 साल से मुझे कोई खास दिक्कत आई भी नहीं है, पहले थी बहुत ज़्यादा होती थी, बट फिर भी अगर ये कुछ एपिलेप्सी का पार्ट था, क्योंकि कहते नहीं बचपन में चीज़ें होती हैं लेकिन बाद में बड़े होते होते ठीक हो जाती हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं था चला, क्योंकि कभी डॉक्टर की नहीं दिखाया कि दिक्कत क्या थी, बस ये कहती थी चमकीले तारे नजर आती थी आंखों के सामने, जो बहुत दिक्कत करती थी, मेरी पढ़ाई से इफेक्ट होती थी। तो बस ये कहना चाहूँगी कि ना हम लोगों ने जो गलती करी अपने टाइम में, वो आप लोग मत कीजिएगा, अगर आपको भी कुछ इशू हो रहा है हेल्थ का, डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, वो चीज़ मैं अब सीख गई हूँ, लेकिन खुद के ऊपर ना थोड़ा खर्चा करने का मन नहीं करता। अभी भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक ईजी टेस्ट करवा लूँ, कम से कम पता तो चलेगा क्या दिक्कत थी, लेकिन अब लगता है अभी तो नहीं है ना, एट प्रेजेंट तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि 8 साल से मुझे दिक्कत नहीं आई है। हाँ मैंने पता क्या चेंज किया अपनी लाइफस्टाइल में, एक तो मैंने टाइम सुबह उठती मैं कुछ खाना खा लेती हूँ, और मैं आराम करती हूँ, और मैं 9 घंटे 8 घंटे मैं ज़रूर सोती हूँ, अभी चाहे कुछ हो जाए मैं नींद पूरी करती हूँ अपनी, तो मुझे नहीं होता। और हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि मेरे ये चीज़ पता है कब होती थी, जब मैं एकदम से जैसे अंधेरे वाले कमरे से रोशनी में जाऊंगी, या रोशनी वाले कमरे से एकदम से अंधेरे में जाऊंगी, तो मैं ब्लैंक आउट हो जाऊंगी एकदम से। तो मैं कभी भी देखना, मैं सूरज की तरफ रोशनी में नहीं देखती, मैं ट्यूबलाइट की तरफ कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा ट्रिगर है। मैं मोबाइल कभी बस में बैठ के नहीं चलाऊंगी, मैं रख दूंगी साइड में। मोबाइल में किताबें नहीं पढ़ती मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैं अपनी दूसरी पन्नों वाली किताबें लाती हूँ, क्योंकि मेरे से जो रोशनी होती है ना, तेज रोशनी एकदम से मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, मैं मेरे हो जाती है दिक्कत। चाहे मैं शादी ब्याह में भी जैसे तेज आवाज़, जैसे लाउड नॉइस होता है ना, उससे मेरे एकदम से जो शादी की जो नॉइस होती है ना, जैसे डीजे वगैरह, वो मेरे बर्दाश्त नहीं होते मेरे ना, जैसे एकदम से जैसे लोग घूम रहे हो ना आसपास, जैसे पार्टी वार्टी कर रहे हो, उससे मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है, अजीब सा कुछ होता है। तो वो मेरे ट्रिगर्स हैं जिनको मैं इग्नोर करती हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी, और उन ट्रिगर्स को इग्नोर करने की वजह से मैं आज बोल रही हूँ 8-9 साल हो जाएंगे, मुझे हर साल 1 या 2 बार होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिक्कत नहीं करती, वो भी तब होता है जब मैं गर्मी में धूप में ज़्यादा घूम लेती हूँ, और कुछ खाए पिए बिना,
या फिर कुछ ठंडी चीज़ें ले लूँ, उससे भी मेरा ट्रिगर हो जाता है, तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो ठीक है जी, चलिए लंबी हो रही है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे। और पतली होने लग रही हूँ मैं सच में, पता नहीं कैसे अपने आप ही वेट घट रहा है। कहते हैं शायद टेंशन में वजन कम हो जाता है। आज मैंने अपना वजन चेक किया था, 63.4 था, यूट्यूब पे आई थी ना जब 72 था, मतलब मेरा वजन 9 किलो कम हो गया। ठीक है, बच्चे के लिए थोड़ा सा, आज मैंने कहा था ना मैं आज से स्ट्रॉन्ग बनूंगी, आज देखो कितनी मजबूती से खड़ी हूँ, बस ऐसे ही खड़ी रहूँ, हिम्मत करूँ बस। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।